तौर में कोरोना मतलब होता है मनुष्य के सर के ऊपरी हिस्सा, इसको कोरोना कहा जाता है। जैसे कोरोनेशन कोरोना कहा जाता है। कोरोना से होने वाली बीमारियों की 3 प्रारूप है। पहला, बहुत हल्का सिम्टम, समझ में नहीं आता, मरीज घूमते रहते हैं। दूसरा, जब उसको सांस फूलने लगता है तब वो सतर्क हो जाता है। दूसरे स्टेज में हाई फीवर, बहुत ज़्यादा बुखार और सांस की कष्ट और खांसी उसको परेशान कर देता है। ये तीसरा जो है उसमें एकाएकी सांस फेल्योर, रेस्पिरेटरी फेल्योर हो जाता है। इस 3 रूप में ये बीमारी दिखा जा सकती है। ये शरीर के सांस नली, गले में खराश, नज़ला, इसी से जैसे आम फ्लू होता है, आम इन्फ्लुएंजा होती है, उसी के हिसाब से ये आक्रमण करता है सांस की नली को। सांस की नली माने पूरी हो गई और उसके बाद दोनों लंग्स में जाके निमोनिया बना देता है, उसमें सांस बिल्कुल नहीं ले जा सकती। उसके बाद इसको कहा जाता है मल्टी ऑर्गन फेल्यूर, शरीर के विभिन्न अंगों में फैल जाता है। इसके लिए डायलिसिस भी ज़रूरत हो सकती है। ठीक है, कोरोना एक वायरस का नाम दिया गया, उसको कहा गया कि एन कोरोना कोरोबिड, एन माने नोवेल, नया बीमारी। कोरोना एक वायरस का नाम है जो कोरोबिड 2019 के नाम से जाना गया है। ये एक नई बीमारी है और एक महामारी है, बहुत जल्दी ये फैलता है। इनके 3 प्रारूप है। एक, बहुत हल्का सिम्टम जिसको पकड़ने में बहुत देरी लगती है, लेकिन उसमें टेस्ट करने से ज़्यादा मौका मिलेगा। दूसरी, एक सीवियर बीमारी जिसमें सांस कष्ट, खांसी इत्यादि होता है, तो उसको आसानी से पकड़ा जा सकता है, उसमें टेस्ट भी पॉजिटिव आएगा। तीसरा है, जो इस बीमारी हुआ और उसके बाद ये बहुत धीमी गति से प्रगति इसकी हुई, उसमें एंटीबॉडी टेस्ट पॉजिटिव आएगा, लेकिन बीमारी की गति बहुत धीमी होगी। ये महामारी का रूप ले लिया। महामारी इस आशय से कि इसमें मृत्यु बहुत जल्दी हो जाती है। बस एक चाइना में चूहों में कोरोना 201-202 वायरस पाया जाता था, वहाँ पर रिसर्च हो रहा था। रिसर्च के चलते ये शायद किसी क्रम से लेबोरेटरी से बाहर आ गया और संक्रामक हो गया। इसमें दवाई बहुत ज़्यादा कुछ स्पेसिफिक नहीं है। जो जो दवाइयाँ हैं उसमें से एक का नाम चर्चा में है, उसको कहा जाता है हाइड्रोक्सी क्लोरोक्विन। ये हाइड्रोक्सी क्लोरोक्विन, क्विनिन जो दवा मलेरिया में दी जाती थी कभी 1947 में जब महामारी हुई थी हिंदुस्तान में, उस समय क्विनिन आया था। क्विनिन हमारे देश की एक पेड़ है सिनकोना, उसकी जो छिलका है उसमें से बनता था, ठीक है, लेकिन बहुत उसके साइड इफ़ेक्ट खूब बहुत ज़्यादा थे। उसके बाद उसको रिसर्च करके 1947 में फ्रांस में लोगों ने हाइड्रोक्सी क्लोरोक्विन को लेबोरेटरी में बनाया। हाइड्रोक्सी क्लोरोक्विन जो बनाया, इससे हुआ क्या कि क्विनिन की जो साइड इफ़ेक्ट्स थी देने पर, उल्टी का, हार्ट का प्रॉब्लम, ये सब बहुत कम हो गया और डोज बहुत कम हो गया। यही दवा इत्तेफाक से 2 ट्रायल हुआ, एक हुआ फ्रांस में जिसमें 80 मरीजों में इसको दी गई थी और उसमें उसका जो रिजल्ट आया बहुत आशाप्रद था। दूसरा प्रयोग हुआ अमेरिका में। अमेरिका में आपको याद होगा एक और वायरस डिजीज़ हुआ था हिंदुस्तान में और सब भी जगह पर, H1N1 जैसा ये वायरस, एक और नया वायरस आया था उस समय, उसको कहा जाता था, वो इसी तरह की सांस का कष्ट होता था, SARS
ये सांस की कष्ट बहुत भयंकर था, जिसमें से आमतौर पर लोग की मृत्यु हो जाती थी। उस समय इसका प्रयोग देने करने पर लोगों को बहुत सफलता मिली थी। आपने बंगाल केमिकल करके जो पुराना एक दवा कंपनी थी, उसमें इन्होंने अप्रूव कर दिया। वो 16,000 टैबलेट पर डे के हिसाब से ही बनाएगा। क्लोरोक्विन इफेक्ट कैसे होगा? इसके तीन असर है। एक, बुखार उतारेगा। दूसरा, दर्द उतारेगा। तीसरा, ये इंटरफेरॉन को ब्लॉक करता है। जब इंटरफेरॉन को ब्लॉक करता है, इंटरफेरॉन जो इन्फेक्शन के साथ जो शरीर में इन्फ्लेमेशन होता है उसको रोकता है। ये हाइड्रोक्सीक्लोरोक्विन इस इंटरफेरॉन को ब्लॉक करता है। इसे शरीर में जो अयव इसके वजह से इन्फ्लेमेशन की वजह से होता है उसको ये कमज़ोर कर देगा। इससे रिकवरी जल्दी हो जाएगी।